अगर आप मेकअप लवर हैं, आपको मेकअप करना पसंद है, तो आपको आईलाइनर लगाना भी ज़रूर पसंद होगा। तो ज़रा सोचिए आप कि अगर आप किसी वेडिंग फंक्शन में, किसी पार्टी में जा रहे हैं, कोई आपको वेडिंग अटेंड करनी है, आपने बहुत ही खूबसूरत सा मेकअप किया, बहुत ही अच्छा सा मेकअप किया और बहुत ही अच्छे से आई शेडो अप्लाई किया, सारी चीज़ें अच्छे से कर लिया, और लास्ट में जब आप आईलाइनर अप्लाई करने जाते हो और वो बिगड़ जाए, फिर आपका सारा का सारा मेकअप जो है ना, सारा का सारा मेकअप बर्बाद, पूरा का पूरा बर्बाद। फिर आईलाइनर अगर एक बार बिगड़ जाए ना, तो पूरा का पूरा मेकअप ही ख़राब हो जाता है। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और घर पर हैं, सेफ हैं। तो आज की इस वीडियो में ना हम बात करने वाले हैं आईलाइनर एप्लीकेशन के बारे में, क्योंकि आईलाइनर का जो एप्लीकेशन है ना, आपके पूरे लुक को चेंज कर देता है। आपका आईज़ किस तरीके का है, आपका आईज़ कैसा दिखेगा, आपका लुक कैसा दिखेगा, ये आपके आईलाइनर पर टोटली डिपेंड करता है। लाइनर बिगड़ा तो पूरा मेकअप हमारा स्पॉइल हो जाएगा। सो इस वजह से हम आज देखने वाले हैं कि आईलाइनर किस तरीके से अप्लाई करें ताकि वो बहुत अच्छे से अप्लाई हो सके, बहुत अच्छा दिखे। और हाँ, एक बार में कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, तो आपको बहुत अच्छे से अप्लाई करना है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है और देन आप बहुत अच्छे से आईलाइनर अप्लाई कर लोगे अपने आप ही, मुझे पता है। और बहुत सारे लोगों को आईलाइनर लगाना पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उनके लिए छोटी सी वीडियो है। आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगी। तो बढ़ते हैं वीडियो में आगे, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो तो एक लाइक कर दीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने का कोई भी पैसा नहीं लगता है, ये बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आगे से अगर कोई भी वीडियो मैं अपलोड करूँ तो आप तक पहुंच जाए। आज की वीडियो में मैं यूज़ करने वाली हूँ ये फेसेस का आईलाइनर, यह है लिक्विड आईलाइनर। आप चाहें तो यूज़ कर सकती है जेल आईलाइनर, या फिर यूज़ कर सकती हैं आप स्केच आईलाइनर, या फिर आप काजल के यूज़ से, काजल की हेल्प से भी बहुत अच्छे से आईलाइनर अप्लाई कर सकती हैं। ये टोटली आपके ऊपर है कि आप क्या लगाना पसंद करेंगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पर फिलहाल तो इसी से अप्लाई करके दिखाऊंगी। तो ये रहा मेरा आईलाइनर। अच्छा, थोड़ा सा सामने आ जाते हैं, क्लोज। ओके, तो सबसे पहले हमें जो काम करनी है ना, वो करनी है, हमें चाहिए होगा एक मिरर। तो आपके पास जो भी मिरर है, आप उसे एकदम अपने हाथ पे रख ले, या फिर उसे एकदम सामने रख ले, कहीं पर भी अच्छे से टिका लें, ठीक है। और आपको लेनी है अपना आईलाइनर। आईलाइनर पे बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट लगे होते हैं, ठीक है। तो जैसे ही हम निकालते हैं तो जितना भर भर के जो प्रोडक्ट लगे हुए हैं ना, उसको वापस आप इस तरीके से क्लीन कर लें, अच्छे से क्लीन कर लेना है, ठीक है, ताकि कुछ मिस ना हो। तो इस तरीके से हमें बहुत ही ज़्यादा कम प्रोडक्ट चाहिए होगा, और मेरे एप्लीकेटर पे तो बहुत ज़्यादा लगा हुआ है। तो आपको क्या करना है ना, कि इस तरीके से पूरा क्लीन कर लेना है एप्लीकेटर को। इसका एप्लीकेटर देखिए आप, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो मैंने क्या किया, इसे अच्छे से क्लीन कर लिया और अब मैं अप्लाई करूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने ये अपना आईलाइनर लिया और मैं क्या करूँगी, जो आई का मेरा शेप है ना, इस तरीके से जो बना हुआ है, उसके जस्ट ऊपर में मैं अप्लाई करूँगी। बहुत ज़्यादा ओवर ओवर अप्लाई नहीं करना है, बहुत ज़्यादा थिक अप्लाई नहीं करना है, बस इस वाले लाइन को हमें फॉलो करते जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट है, इस वजह से मैं क्या करूँगी ना, सीधा यहाँ से क्या बोलते हैं, इनर कॉर्नर से स्टार्ट मैं नहीं करूँगी, मैं सेंटर से अप्लाई करना शुरू करूँगी ताकि इसमें जितना प्रोडक्ट है ना वो कम होता जाए, ठीक है। उसके बाद हम सामने की तरफ आएंगे, क्योंकि इधर थोड़ा सा ज़्यादा ट्रिकी होता है अप्लाई करना, तो इस वजह से। तो मैं सबसे पहले सेंटर पे अप्लाई करूँगी और बस मेरा जो आईज़ का जो शेप है ना, बस उसे मैं फॉलो करती जाऊँगी। तो सेंटर में अप्लाई करते हुए धीरे धीरे हमें अंदर की तरफ जाना है। तो ये देखिए आप, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा आईलाइनर यहाँ पर अप्लाई हो चुका है। मैंने इसमें कोई भी विंग अभी ऐड नहीं किया है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मुझे एक नेचुरल सा आईलाइनर जो होता है ना, नेचुरल, जिसे बहुत ज़्यादा विंग पसंद नहीं है, वो इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। मैंने एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं किया। ये देखिए दोनों आईज़ देखिए आप, कितना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है। देखिए यहाँ पर ये आँख कितनी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है, ठीक है। तो बस इस तरीके से आपको अप्लाई कर लेनी है। ये तो हो गया उन लोगों के लिए जो लोग बहुत ही ज़्यादा बेसिक सा आईलाइनर अप्लाई करना
पसंद करते हैं, जिन्हें बेसिक्स आई लाइनर लगाना पसंद है, ये उनके लिए हो गया। अब बात करते हैं उन लोगों की जिन्हें विंग्ड आई लाइनर लगाना पसंद है, जिन्हें थोड़ा सा विंग पसंद है, तो उसके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले हमें इस तरीके का एक आई लाइनर अप्लाई कर लेना है। देन हमें क्या करना है, ये वाली जो लाइन जा रही है ना, इस लाइन को हमें फॉलो करते हुए एक विंग इस तरीके से ड्रॉ कर लेनी है। तो चलिए ड्रॉ कर लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है। अब क्या करेंगे हम, इस वाले लाइन को और इस वाले लाइन को, ऊपर जो आई लाइनर हमने लगाया है उस लाइन को और ये नीचे जो लाइन हमने ड्रॉ की है उस दोनों लाइन को हमें ज्वाइन कर देनी है। तो ये हो गया हमारा परफेक्ट विंग्ड आईलाइनर यहाँ पर ड्रॉ। अब आप चाहें तो इसमें थोड़ा सा और कुछ कुछ ऐड कर सकती हैं। अच्छा, यहाँ पर आप देखोगे ना तो बहुत ज़्यादा गैप सा लग रहा होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी काजल अप्लाई नहीं किया है या फिर कुछ भी अप्लाई नहीं किया है, इस वजह से ये ऐसा दिख रहा है। ठीक है, तो जैसे ही आप काजल अप्लाई कर लोगे ना, ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगेगा। तो अपने दूसरे आईज पर भी हम अप्लाई कर लेते हैं सेम तरीके से। ठीक है, तो ये वाले आईज पर भी मैंने अप्लाई कर लिया है और आप देखेंगे कितना ज़्यादा ये अच्छा दिख रहा है। तो यहाँ पर अप्लाई हो गया। अब इसमें थोड़ा सा और मैं कुछ ऐड करना चाहती हूँ, जैसे कि इस इनर कॉर्नर पे जो थोड़ा सा और शार्प लाइन दिखाते हैं ना, तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे ना, थोड़ा सा और हम इस लाइन को, अपने इस लाइन को फॉलो करते हुए थोड़ा सा लाइन को हम एक्सटेंड कर देंगे। ठीक है, ओके गाइस, तो यहाँ पर हमने आईलाइनर जो है अच्छे से अप्लाई कर लिया है और बाकी यहाँ पर मैं थोड़ा सा मस्करा अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ और फिर फाइनल लुक में आपको दिखाती हूँ कि ये कैसा लग रहा है।